Hey guys, welcome to the session. Walaikum assalam, very good evening, Niti. दिख गया? नीति नहीं दिखा क्या? वालेकुम सलाम ओसिया। चलिए, आज आपका जो कार्निवल था वो खत्म हो गया है। आज के दिन 400 प्लस लाइव क्लासेस थी और अभी ये चांस है आपके पास, फिर से 20 सितंबर को आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी जो टॉपर्स बनेंगे, बाकी जो यूपीएससी 2019 के टॉपर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा और जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट देना ना भूलें, जबरदस्त चीजें मिल रही हैं आपको। अरे आईपीएल देखा? आईपीएल में अनअकैडमी का देखा नहीं? आईपीएल में अनअकैडमी 15 डेज बचे हैं आपके प्री के लिए। ठीक है, जो अक्टूबर में प्री है उसके लिए लगभग 15 डेज बचे हैं आपके पास। जल्दी जल्दी रिवीजन कर दीजिए जो भी पढ़ा है आपने। जो लोग 21 के लिए तैयार हो रहे हैं उनको बोलता हूं मैं, प्लस ले लीजिए और उसमें आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी घर बैठे। स्ट्रक्चर बैचेस मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स के साथ, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों तरह के बैचेस होंगे। लेट नाइट क्लास होंगी, 2 साल के बैचेस अलग से मिलेंगे। 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। वास्ट रेंज होगी ऑप्शनल की। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होंगी इवोल्यूशन के साथ, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस होगी, एसे आंसर राइटिंग होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी, सेंसर एंड क्विज होगा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारा आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा। और 21 सितंबर से आपके जो 2021 वाला है यूपीएससी, उसके 21 सितंबर से बैच स्टार्ट हो गए हैं। बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों बैच हैं। और 2022 यूपीएससी के लिए भी 21 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, होगा मतलब इंग्लिश मीडियम में। और जो लोग प्री देने वाले हैं उनको 5th से 30 सितंबर में ये अल्टीमेट रिविजन बूस्टर चल रहा है। अल्टीमेट रिविजन बूस्टर इंग्लिश में और बाइलिंगुअल दोनों तरह के बैच हैं। इसमें आप मंडे टू फ्राइडे सेंक्शन एंड क्विज दे सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस दे सकते हैं, ये आपको सब फ्री मिल रहा है। ठीक है, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कोर्स कौन सा लेना। जैसे 24 मंथ का अगर लेना है तो उसकी फीस कितनी है, 64,000। यहाँ पे वो आपसे कोड मांगेगा, कोड है मेरा ये परवेज आलम 2019, ये मेरा कोड है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। और ये 64 वाला 57,600 का पड़ेगा और यहाँ से प्रोसेस कर देंगे पेमेंट के लिए और आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डेली 2020 T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चलती है 7:30 बजे रात को। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के और 40 मार्क्स होता है। टेस्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं बाद में, यहां से एनरोल करेंगे जाके और यहां पे टेस्ट देंगे। जब अपने ऐप में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वहां पे टेस्ट सीरीज होता है लिखा हुआ, टेस्ट सीरीज को ओपन कर लेंगे तो वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। डेली 7:30 बजे होता है। ये यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी के, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप हैं अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, इसको सब्सक्राइब कर लेना, मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। रात 9 बजे क्लास होती है डेली, लेकिन आज आधा घंटा थोड़ा लेट हो गया किसी वजह से, टेक्निकल इशू था टीम का, तो 9 से 10 यहाँ पे क्लास चलती है करंट अफेयर्स में। और ये चैनल है अनअकैडमी लक्ष्य, जिसमें पॉलिटी पहले पढ़ा रहा था, फिर से स्टार्ट होने वाली मंडे से पॉलिटी, जहाँ से मैंने चैप्टर छोड़े थे वहाँ से होंगे। ठीक है, इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी चलेगी। और जो क्विज आप अपने फोन पे दे रहे हैं वो यहीं पे लाइव देंगे यूट्यूब पे। ठीक, अलग से मैं उसको सेशन रखूंगा, या तो इसी सेशन के बाद या पहले इन सेशंस के बाद यहीं पे अपना सेशन रखूंगा क्विज का। क्विज आप यहीं पे लाइव देंगे, मजा आएगा स्क्रीन पे देने में, लाइव एक्सपीरियंस। ठीक बा, क्विज कैसे देना है वो मैंने समझा दिया था, फिर से बता देता हूं जो लोग यहां पे नए होंगे। हाँ मैं बताऊंगा प्लस। वेरी गुड इवनिंग शिव शेखर, वालेकुम सलाम करिए। हाँ अविनाश, 2021 के लिए लाइव करंट अफेयर्स है, 2021 के लिए है। जब आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे तो सबसे पहले अपने ऐप को अपडेट करेंगे, अपडेट करने पर ही आपको ये फीचर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
अपडेट करके आप सबसे अपनी मेन स्क्रीन पे जाएंगे एप्लीकेशन की। मेन स्क्रीन में यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, इस डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूपीएससी होना चाहिए सेलेक्ट। जब इस पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे तो ये इंटरफेस ये वाला खुलेगा। यहाँ पे स्पेशल क्लासेस लिखा है, फ्री कोर्स लिखा है और प्लस, तो आप प्लस को सेलेक्ट कर लेंगे। फीस जमानी होगी। अच्छा अविनाश, अब आओगे डेली, एक नया एक्सपीरियंस लेके आऊंगा तुम्हारे लिए मैं यूट्यूब पे। प्लस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूपीएससी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो अगला इंटरफेस आएगा इस टाइप से। यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा ज्वाइन क्विज, और ज्वाइन क्विज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे वो आईडी मांगेगा कि एंटर अ क्विज आईडी टू ज्वाइन क्विज। जो मैं कोड देता हूँ और दूंगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ज्वाइन क्विज कर देंगे, आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा क्विज के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। ऋतुजा कहानी लास्ट एंट्री, कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स है 19 सितंबर का, आज का करंट अफेयर्स। बढ़िया बढ़िया मुद्दे मैंने कल भी कराए थे, आज भी लेके आया हूं। फ्री इंटरनेट गजेट एंड पैकेजेस फॉर टू पुअर स्टूडेंट्स। जो इंटरनेट गजेट्स हैं, जैसे मोबाइल दिया जाए या टैब दिया जाए या लैपटॉप, जो भी आप दे सकते हैं जिसमें इंटरनेट के गैजेट्स होंगे, जैसे कनेक्टर होता है, इंटरनेट कनेक्टर किसी भी कंपनी के दे सकते हैं, वाईफाई दे सकते हैं, वो सारे गैजेट्स में आएंगे। और इसको कौन कौन सा पैकेज होगा, वो सारे पुअर स्टूडेंट के लिए दे जाने की घोषणा की है हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने, दिल्ली में। द दिल्ली हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, जो प्राइवेट और स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि दिल्ली में जो मतलब पुअर लोग हैं उनको गैजेट्स और इंटरनेट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा पुअर स्टूडेंट को फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन लाइव क्लास। अब ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही थी, ऑनलाइन का सभी स्कूल्स ने बोल तो दिया कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, इस पर तो रेड कलर दिख भी नहीं रहा होगा। उसने बोल तो दिया कि ऑनलाइन स्कूलों ने कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, लेकिन ऑनलाइन कैसे अटेंड होगा, जो गरीब आदमी है वो कैसे करेगा। तब हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो भी स्कूल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो दिल्ली के सभी स्कूलों में पुअर बच्चों के लिए सारे गैजेट्स को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, रूलिंग, इफ आई स्कूल डिसाइड्स टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन मोड एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर कोई स्कूल या जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है उसमें से ऑनलाइन मोड पे लेके आने वाला है, तो इट विल हैव टू इंश्योर दैट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कैटेगरी ऑल्सो हैव एक्सेस एंड आर एबल टू अवेल ऑफ द सेम। या तो वो पुअर हो या उस कैटेगरी में आता हो, जो डिसएडवांटेज हो उसके पास इस चीज की ये चीजें ना हो तो स्कूल उसको प्रोवाइड कराएगा। व्हाइट कलर सही दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा, येलो। ये स्कीम अच्छी है, अगले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिमेंबरेंस ऑफ रीजनेबल कॉस्ट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गैजेट्स एंड इंटरनेट पैकेजेस फॉर द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 12(2) द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट। जो आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ये कुछ क्वेश्चन आता रहता है इससे रिलेटेड। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षक अधिकार, उसके सेक्शन 12(2)(12) में इसके गवर्नमेंट जो है इसके हिसाब से इंटरनेट पैकेजेस और गैजेट्स प्रोवाइड करेगी। इसके लीगल प्रोविजन क्या है, इंट्रा क्लास डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली बिटवीन द 75% फी पेइंग स्टूडेंट एंड द 25% ईडब्ल्यूएस या डीजी स्टूडेंट्स अपसेट द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड क्रिएट्स अ डिजिटल डिवाइड इन द क्लासरूम विच इज वायोलेटिव ऑफ आरटीई एक्ट 2009 एंड आर्टिकल्स 14, 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे किसी के पास गैजेट्स हैं किसी के नहीं है, तो वो आरटीई जो एक्ट है उसका वायोलेशन है। कोर्ट ने बोला है कि इसका वायोलेशन है 21 का, जो जीवन की स्वतंत्रता वगैरह है, ठीक है, इनकी ये वायोलेशन हो रहा है अगर हम इसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हाँ याद आ गया, स्प्रेड लव, येलो डर्टी फेलो, याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद है।
अविनाश इंग्लिश की अलग मिलेगी, हिंदी की अलग मिलेगी। हिंदी में मिल्लत आईएएस पर कनीज फातिमा, कनीज मैम पढ़ाने वाली है मिल्लत पर हिंदी में जीएस, तो उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली स्पेशल कैटेगरी स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एटलीस्ट 25% चिल्ड्रन। अब जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस है आरटीई एक्ट के द्वारा, आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो अनएडेड स्टूडेंट स्कूल है वो 25% स्टूडेंट्स को इसमें फ्री एजुकेशन या कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। बिलोंगिंग जो डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, एडमिटेड टू क्लास फर्स्ट और प्री प्राइमरी क्लासेस, दे विल ऑल्सो बी रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस। मिंटर कौन है? चंदन, चंदन डावर, यस कनीज मैम, ऋतुजा क्या बोल रही, मिंटर। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो 14 आर्टिकल है वो सबको इक्वल देता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के कानून की नजर में सब लोग समान हैं। तो ये 14th जो है, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को तो 14 का वायलेशन हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसके पास गैजेट्स नहीं है। अगर किसी पुअर बच्चे के पास गैजेट्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मोबाइल नहीं है, पढ़ने के लिए कोई गैजेट नहीं है, तो इस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है। जो हाईकोर्ट ने कहा है कि इस आर्टिकल के वायलेशन को रोका जाएगा। अरे दूसरे भी है ना ऋतुजा, और भी लोग हैं उस पर। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बोलते नहीं कि जीवन जीने का अधिकार, तो जीने के अधिकार में जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था उसको भी क्या दिया गया लोगों में, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार भी जीने का अधिकार में आता है और मेडिसिन वगैरह का भी जीने का अधिकार में आता है। वैसे ये जो एजुकेशन वाला पार्ट है ये भी जिंदगी के जीने के अधिकार में आता है, तो इसीलिए इसको 21 के आर्टिकल का वायलेशन बताया है। और ये जो पर्सनल लिबर्टी है, ये स्वतंत्रता, इसको भी लिबर्टी उसी को बोलेंगे ना, इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जो प्रोसीजर है लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश, वो इसका वायलेशन नहीं कर सकते 21 का। ठीक है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ मैं दूंगा, या तो नोट्स बना लेना या इसको पीडीएफ आप सेव कर लेना। द रूलिंग इज एम्ड टू नैरोइंग द COVID-19 पेंडेमिक इंड्यूस्ड डिजिटल डिवाइड्स। अब देखो ये बड़ी चर्चा में चल रहा है, डिजिटल डिवाइड। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसमें आर्टिकल वगैरह पढ़ा होगा, तो डिजिटल डिवाइड पे आर्टिकल भी आया था। अब एक बच्चा पुअर फैमिली से है, एक बच्चा रिच फैमिली से है, उसके पास मोबाइल भी है, नेट भी है, तो ये जो पुअर फैमिली का बच्चा है ये अपने आप को लो फील करेगा, कम फील करेगा, यानी कि वो अपने आप को किसी तरह से जैसे मेंटली अपने आप को हरेस कर सकता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस टाइप से। या इस टाइप से भी हो सकता है, कुछ स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके पास नहीं है तो ये इसके मार्क्स जो है कम आ सकते हैं, तो वहां से अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसलिए उसको बोला गया है। ये जो COVID-19 पेंडेमिक डिजिटल डिवाइड था, तो इसने COVID-19 ने डिजिटल डिवाइड पैदा कर दिया है लोगों में, या खासतौर से बच्चों में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड UN रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट 24 million चिल्ड्रन को ड्रॉप आउट और नॉट हैव एक्सेस टू स्कूल नेक्स्ट ईयर ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। अब देखो ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना जब मैं पीडीएफ दूंगा। 24 million बच्चे ऐसे हैं जो COVID-19 की वजह से स्कूल छोड़ देंगे पूरी दुनिया में। अच्छा अविनाश, वो मिंटर बोल रही थी उसको, मिल्लत को, मतलब मिंटर का मेंटर को नहीं बोली, मेंटर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक तो आर्टिकल जो है ये वाले ध्यान रखना है,
और डिजिटल डिवाइड क्या हुआ है इसमें कोविड 19 की वजह से, ये ध्यान रखना है। और कितने बच्चे लगभग यूएन रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे स्कूल छोड़ देंगे कोविड 19 की वजह से, 24 मिलियन बच्चों का अंदाज है कि वो स्कूल छोड़ देंगे। अभी ने भी गलत लिख दिया, ठीक है फिर ढूंढते फिरेंगे सब। इसको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द एनएसओ रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, ऋतुजा पगला गए, सब रे जितने भी सारे हैं सब पगला गए। अविनाश वहां तक आवाज पहुंच गई क्या? According to the NSO report on education, nearly 4% of rural households and 23% of urban households possessed computers and 24% of the households in the country had internet access. देखो ये important point है, बहुत ज़्यादा important है, बता रहा हूँ मैं COVID-19 के भी जितने भी impact हैं, अभी तो COVID-19 के impact आएंगे पता लगेंगे धीरे धीरे। तो इसमें क्या हो रहा है, 4% लोग हैं जो rural area के, ग्रामीण area के हैं, और 23% 23% लोग हैं शहरी एरिया के, और ओवरऑल इंडिया के पास जो है 24% जो लोग हैं वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अभी हमें बहुत बड़ी जंग जीतनी है इस मामले में डिजिटल होने में, कितनी बड़ी जंग है, और जब तक नहीं जीत सकते, जब तक हमारे गांव नहीं जीत सकते हैं, तो 4% गांव में इंटरनेट है और जो 23% शहरों में, ओवरऑल 24% हो रहा है कंट्री में। अमंग पर्सन ऑफ एज 15 to 29 ईयर, only 24% in rural area and 56% in urban area were able to operate a computer. अब देखो कंप्यूटर चलाने के लायक कौन है इंडिया में, 15 से 29 साल का जो यूथ है उसमें से 24% हैं जो ग्रामीण लोग हैं 15 से 29 साल के, और 56% है शहरी लोग जो कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत गजब का डाटा है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट्स बना लेना या पीडीएफ सेव कर लेना। अच्छा गणित। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है यूनेस्को की, कोविड 19 हैड वर्स्ट द इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द हाइएस्ट हाइट ऑफ स्कूल क्लोजर इन अप्रैल 2020 ऑलमोस्ट 91% ऑफ द स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड और आउट ऑफ स्कूल, यानी कि 91% पूरी दुनिया के बच्चे, देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट है कोविड 19 का, पूरी दुनिया के 91% स्टूडेंट स्कूल से दूर है इस टाइम। वहां पे हिंदी मीडियम में करंट पढ़ाएंगी नहीं थी, 91% स्टूडेंट इस कोविड 19 की वजह से अपने स्कूल से दूर है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है बच्चों पे। About 40% of low and lower middle income countries have not supported learners at risk of exclusion during this crisis, such as the poor, linguistic minorities and learners with disabilities. अब सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है, डिसेबिलिटीज को, जो माइनॉरिटीज वाले हैं इनको पहुंचा नहीं पा रही है जो गवर्नमेंट है। लो और लोवेस्ट मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज हैं, लगभग 40% जो पुअर हैं, डिसेबिलिटीज वाले हैं और माइनॉरिटीज वाले हैं, वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्राइसिस में कितना लॉस हो रहा है, और खास तौर से गरीबों के लिए। अदर जजमेंट्स ऑन राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ऋतुजा The Kerala High Court in Fahima Sirin versus the State of Kerala case 2019 declared the right to internet access as a fundamental right. अब ध्यान रखना रे, ये क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है। फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है केरला हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित किया है इंटरनेट एक्सेस को, किस केस में, फहीमा सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ये केस भी ध्यान रखना, फहीमा सरीन वर्सेस
स्टेट ऑफ केरला केस 2019 इसमें डिक्लेयर किया है इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा पॉइंट है आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर होंगे उस नाम के अरे ऋतुजा पगला गई हैं जल्दी जल्दी जूता सुनाओ रे ऋतुजा को कोई चमड़े वाला इन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द अनुराधा वसीन केस 2020 इन द सुप्रीम कोर्ट में अनुराधा वसीन केस 2020 फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट वॉज एक्सेप्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अब देखो लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया को लोग ब्लॉक कर देते हैं अगर कोई किसी के खिलाफ बोलता है खासतौर से किसी गवर्नमेंट या नेता के खिलाफ तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया अनुराधा वसीन केस के मामले में 2020 में कि जो इंटरनेट पे आप बोल रहे हैं वो फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू ये आपका फंडामेंटल राइट है तो ध्यान रखना इन राइट्स को ये पूछे जाते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंडर में आता है आर्टिकल 19 फर्स्ट ए ये आर्टिकल भी याद रखना ट्रेड ऑक्यूपेशन और कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑन द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g) अभी नहीं कह सकते अविनाश 21 से ओपन नहीं हो रहा है अभी कुछ नहीं कह सकते हैं बढ़ा दी डेट 23 से ये बोला था 21 या 23 से कि जो 9th टू 12th के बच्चे होंगे वो अपने डाउट पूछने के लिए एक एक दो दो करके डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए स्कूल जा सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं प्रॉपर क्लासेज नहीं लगेंगी और अभी वो डेट बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे इसमें The center has directed state education departments to map the online access available to all their students in order to adequately plan curriculum and teaching methods that can reach such students. ऐसा teaching method और ऐसा plan होगा कि सभी student को लगभग उनके access में आ जाना चाहिए. New education policy, National Education Policy 2020 aims at making India a global knowledge superpower. जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो एम है वो क्या है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर ये उसका एम है 2020 एजुकेशन पॉलिसी का बाय इंट्रोड्यूसिंग सेवरल चेंजेस फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज लेवल इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिजिटल एजुकेशन अब जो चेंजेस हुए हैं वो स्पेशल एम्फेसिस हैं इस पे स्पेशल असर डालेंगे या कह सकते हैं डिजिटल एजुकेशन पर दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म दीक्षा इज द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रेड्स 1 टू 12 एंड वाज लॉन्च इन सितंबर 2017 अब ध्यान देना है जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है DIKSHA यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से As part of PM e-Vidya announced under the Atmanirbhar Bharat program, Diksha is the one nation, one digital platform for school education in India. अब ध्यान देना जहां भी वन देखने को मिला आपको वन नेशन वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वन नेशन वन मार्केट वन नेशन वन कार्ड वन नेशन वन वन गवर्नमेंट वन नेशन वन ये वन नेशन वन वो तो कहीं और जा रहे हैं कभी अपने चैनल पे आपको डिस्कस करूंगा इसको बताऊंगा वन का मतलब क्या हो रहा है पूरी दुनिया में यहां नहीं बता सकता हूं हाँ बिल्कुल ये पॉइंट लिखने हैं कनीज इन्हीं पॉइंट का काम आएगा हाँ अविनाश बहुत ही गजब के पॉइंट है आपको ऐसे राइटिंग के लिए स्वयं प्रभा टीवी चैनल है टू सपोर्ट एंड रीच दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट अब एक चीज और थी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है ठीक है जब इंटरनेट की पहुंच नहीं है लेकिन वहां टीवी के सिग्नल जाते हैं तो टीवी सिग्नल जाने की वजह से टीवी चैनल चला दिया स्वयं प्रभा टीवी चैनल ये एजुकेशनल चैनल है जहां पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है वहां पे यहां से पढ़ाई कर सकते हैं आप स्वयं प्रभा टीवी चैनल से बहुत ही गजब के पॉइंट है ऑनलाइन MOOC कोर्सेज ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC कोर्सेज रिलेटिव टू NIOS ग्रेड 9 टू 12
ऑफ ओपन स्कूलिंग आर अपलोडेड ऑन स्वयं पोर्टल। जो स्वयं पोर्टल है, जैसे आपने सुना होगा ओपन स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं 9th to 12th वाले, तो 9th to 12th वालों के लिए अब ओपन स्कूल में उनकी ओपन वालों की क्लासेस तो चल नहीं रही है। जो ओपन स्कूल वाले हैं उनकी क्लासेस तो हो नहीं रही, जब रेगुलर नहीं हो रही तो उनकी भी नहीं हो रही है, तो उसलिए उनको स्वयं पोर्टल पे ये दे दिया गया है MOOC कोर्स स्पेशली। अराउंड 92 कोर्सेज हैव स्टार्टेड एंड 1.5 करोड़ स्टूडेंट आर इनरोल्ड। अब उसमें 92 कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं और 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट उसमें इनरोल हो चुके हैं पढ़ने के लिए। ऑन एयर शिक्षा वाणी, देसी वाज NIOS फॉर डिफरेंटली एबल्ड ई पाठशाला। जैसे ई पाठशाला मैं आपको बताता रहता हूँ, ई पाठशाला एक ऐप है, ई पाठशाला पे आपको एनसीईआरटी मिलती है, ओरिजिनल एनसीईआरटी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इट बीइंग यूज्ड फॉर चिल्ड्रन इन रिमोट एरिया हु आर नॉट ऑनलाइन स्पेशली फॉर द ग्रेड 1st to 5। तो ई पाठशाला, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सब इनके लिए चलाई जा रही है, एजुकेशन को और डिजिटल करने में ज्यादा हेल्प मिल रही है। वन वर्ड वन विलेज फन कनीज, वन वर्ड वन कंट्री नहीं, वन वर्ड वन विलेज चल रहा है। अच्छा अविनाश, इस वजह से वे फॉरवर्ड, पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया, तो अब ले आ जाएगी वापस। द करंट रूलिंग विल हेल्प इन द ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन दिल्ली एंड अदर स्टेट मस्ट फॉलो सूट थ्रू दो COVID-19 पेंडेमिक हैज नेसेसिटेटेड अ शिफ्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन एज एट अ फास्टर पेस। द सेम शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म सपोर्ट एंड ट्रेनिंग बाय द गवर्नमेंट एडेड बाय द वाई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। द हिंदू की न्यूज है, सोर्स है आप इसका द हिंदू। वर्ड बंबू डे, बम बम बोले। मस्ती की पाठशाला ई पाठशाला, यस। ठीक है, ऋतुजा इसी बहाने आ जाया करो। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो ऋतुजा कहेंगी मैं तुझसे मिलने आई करंट पढ़ने के बहाने। वर्ल्ड बंबू डे ये न्यूज में क्यों आया, वर्ल्ड बंबू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 सितंबर। तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बंबू डे, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। थीम ऑफ 2020 बंबू नाउ। अच्छा ऋतुजा, हम तो गलत समझ गए थे, बंबू नाउ भाई बांस होगा अब तो, इसकी थीम है अब बांस। वर्ल्ड बंबू डे इट वॉज ऑफिशियली established by the World Bamboo Organization at the 8th World Bamboo Congress held in Bangkok 2009 में 8वीं कांग्रेस का इसका संपन्न हुई थी, कहां पे ये होता बैंकॉक 2009 में। वर्ल्ड बंबू ऑर्गेनाइजेशन बनी थी यहाँ पे, वर्ल्ड बंबू ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज सेट अप एट द 1992 इंटरनेशनल बंबू कांग्रेस इन जापान, जापान में बनकर यहाँ पे इसकी 8th कांग्रेस हुई थी। 8th कांग्रेस कहाँ पे, बैंकॉक 2009 में, और उसके बाद इसको वर्ल्ड बंबू डे मनाना स्टार्ट कर दिया था। इट इज एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर बंबू प्रैक्टिशनर्स डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द यूज ऑफ बंबू। अब जो बंबू के यूज हैं उनको प्रमोट करना इनका काम है, एंड बंबू प्रोडक्ट्स फॉर द सेक ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी बढ़ाई जाएगी इससे और इन्वायरमेंट की रक्षा भी की जाएगी बंबू के थ्रू, ये इन्वायरमेंट के लिए काफी लाभदायक है, तो इसलिए इसको प्रमोट करना है। सूर्या क्या डिलीट कर दिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बंबू, बंबू के क्या क्या गुण हैं, वर्सटाइल यूजेस हैं इसके। बंबू कैन बी यूज इन 1500 डिफरेंट वे इंक्लूडिंग एज फूड। बंबू को 1500 तरीकों से यूज किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों में, खाने के तरह भी यूज किया जा सकता है इसको। वैसे मुझे पता नहीं क्या खाते होंगे, इसके पत्ते शायद खाते होंगे। सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड, लकड़ी के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाने में भी यूज करते हैं,
कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी यूज करते हैं। आपने देखा नहीं जब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो बम्बू खड़े किए जाते हैं, उनकी गांव में भाषा में बोलते हैं पैड, पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसका बनता है। फोर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स भी इसके बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। एंड पेपर, अगर कभी नैनीताल हो गया मसूरी, तो जो बम्बू होते हैं उनके आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे नैनीताल मसूरी में। ड्यू टू इट्स वर्सटाइल नेचर एंड मल्टीपल यूजेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुअर मैंस टिम्बर, जो गरीब आदमी की लकड़ी या टिम्बर इसको बोला जाता है। मेरा हॉटस्पॉट ले लो, जबरदस्त स्पीड आ रही है 300 Mbps की। अच्छा, बंबू सूट्स को खाया जाता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इसके क्या हैं? इट कैन बी प्लांटेड टू रिक्लेम सेवरली डिग्रेडेड साइट्स एंड वेस्टलैंड। इट इज अ गुड सोयल वाइंडर ओनिंग टू इट्स पिक्यूलियर क्लंप फॉर्मिंग फॉर्मेशन एंड फेबरियस रूट सिस्टम एंड हैंस ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। मिट्टी के लिए और पानी के कंजर्वेशन के लिए भी ये गजब का रोल अदा करता है। है अविनाश? ऋतुजा कह रही है ले 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 नेटवारे, ले 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 नेटवारे। भाई साहब हमारे यहाँ तो कालागढ़ में होते हैं लेकिन आज तक नहीं खाया, अब तो ट्राई करेंगे पक्का, कितना ही अच्छा लगता है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैनोपी, ये सब बहुत तेज ग्रो होता है। रिलीजिंग 35% मोर ऑक्सीजन देन ट्रीज। अरे वाह, ये बात, ये भाई ये चीज मुझे आज पहली बार पता लगी है। 35% ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है बाकी पेड़ों के हिसाब से। एंड कैन सिक्वेस्टर 12 tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पर हेक्टेयर। बाप रे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, पॉइंट मुझे नहीं पता था पहले। 35% ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है बाकी ट्रीज के अलावा और 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है पर हेक्टेयर। इसकी इसको तो यार बढ़ावा देना चाहिए। हाँ गोर, व्हाइट कलर का होता है, किसी जानकार से लेंगे। यूज इन कोविड-19, कोविड-19 में बम्बू का यूज किया है। बम्बू हैज बीन अ की इंग्रेडिएंट इन न्यू एंटी माइक्रोबियल सोप्स एंड हैंड। अच्छा, जो न्यू एंटी माइक्रोबियल सोप्स बने हैं इसमें कोविड-19 के टाइम में इसका बहुत यूज हुआ है और इसमें इसका यूज होता है बम्बू का। हैंड मिट्स डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट फ्रॉम द फिलीपींस टू फाइट द नोवल कोरोना वायरस। वेरी गुड। न्यूट्रियस्यूटिकल बम्बू सूट्स, बम्बू सूट्स हैव न्यूट्रियस्यूटिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। द टर्म न्यूट्रियस्यूटिकल्स इज यूज टू डिस्क्राइब मेडिसिनली और न्यूट्रिशनली फंक्शनल फूड्स। अच्छा, ये वाला पार्ट है कनीज, ये तो ग्रीन ग्रीन लग रहा है, अब समझ गया ना। बंबू सूट्स और बंबू स्प्राउट्स आर एडिबल न्यूली स्पॉटेड कैंस और बंबू ऑफ बंबू दैट फॉर्म जस्ट अंडर द सॉयल एंड हैव अ फर्म क्रीप्स टेक्सचर्स। बंबू सूट्स आर इमर्जिंग एज हाई वैल्यू एंड सेफ एडिबल एडिबल्स एंड आर ऑल्सो अमंग द चीपेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स फॉर इंक्रीजिंग द ह्यूमन बॉडी रेसिस्टेंस टू वायरल अटैक्स। ये बहुत अच्छा फायदा इसका, वायरल अटैक से बचने के लिए बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी है उसकी उसको बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और वायरल अटैक से बचा जाता है इससे। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। द प्रोटीन कंटेंट इन फ्रेश बम्बू सूट्स कैन रेंज बिटवीन 1.49 to 4.04%। दे ऑल्सो कंटेन 7 amino acids 8 of which आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। 17 amino acids होते हैं इसमें, जिसमें से 8 ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है और 1.4% 49% से 4.404% तक इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है।
ग्लोबल मार्केट, द प्रेजेंट ग्लोबल मार्केट ऑफ बंबू सूट्स इज अराउंड 1700 मिलियन USD. कितने की है? 1700 मिलियन US डॉलर की. 1700 मिलियन US डॉलर की मार्केट है. कितनी बड़ी मार्केट है? मोर देन 3 मिलियन टन्स ऑफ बंबू सूट्स आर कंज्यूम्ड अक्रॉस द अर्थ एनुअली. 3 मिलियन टन बंबू का यूज होता है पूरी अर्थ पर कम है उसके हिसाब से 3 मिलियन टन. तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बंबू एंड RATN रिटर्न इन बार चाइना एक्सपोर्ट 68% ऑफ द वर्ल्ड बंबू एंड रिटर्न टाइप ऑफ पाम फाइबर. जो रिटर्न होता है इसको पाम फाइबर होता है एक तरह का. प्रोड्यूस वैल्यूड एट 1112 मिलियन USD. सबसे ज्यादा बंबू का यूज भी वही करते हैं. 68% कौन अकेले का हिस्सा है चाइना का. बहुत ज्यादा बंबू का यूज करते हैं वो अपने काम में. घर बना लेते हैं बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं बंबू को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. इन बार इज अ मल्टी लेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1997. ये जो 1997 में फाउंड हुई थी इन बार, विच प्रमोट्स इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग बंबू एंड रेटन. अकॉर्डिंग टू द नेशनल बंबू मिशन इंडिया हैज द हाइएस्ट एरिया 13.96 मिलियन हेक्टेयर अंडर बंबू. इंडिया जो है हाइएस्ट एरिया कवर करता है 13.96 मिलियन हेक्टेयर बंबू के. बंबू का एरिया इसका इट इज द सेकेंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ बंबू डायवर्सिटी विद 136 स्पीसीज. 136 प्रजातियां पे हैं स्पीसीज इंडिया में. सबसे ज्यादा चाइना में है. चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत है 136 स्पीसीज के साथ. द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बंबू इन इंडिया इज 14.6 मिलियन टन्स एंड द बंबू रेटन इंडस्ट्री इन द कंट्री वॉज वर्थ रुपीज 28,005 करोड़ इन 2017. 2017 में जो वर्थ हुआ था कितने का इसमें व्यापार हुआ था? 28,005 करोड़ रुपए. 28,005 करोड़ रुपए ये व्यापार हुआ था इसका. बंबू सूट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडिया आर कंफर्म मोस्टली ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारा जो वेदर है वो उस टाइप का कम है तो मर जाते हैं. इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बंबू. बंबू क्लस्टर ये इनिशिएटिव है इसके, इसको प्रमोट करने के लिए. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज वर्चुअली इनॉगरेटेड 22 बंबू क्लस्टर इन 9 स्टेट्स दैट इज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड कर्नाटका. इसे 22 बंबू क्लस्टर बनाए हैं 9 स्टेट में. ये स्टेट भी ध्यान रखना, क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछेगा कौन सा स्टेट शामिल नहीं है. एमएसपी हाइक. रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिवाइज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस. एमएफपी इंक्लूड्स ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड इंक्लूड्स बंबू कैंस फॉर फोडर लीव्स वैक्सेस रिजाइंस एंड मेनी फॉर्म्स ऑफ फूड इंक्लूडिंग नट्स वाइल्ड फ्रूट्स लाइक टुसार टूसर एक्सेट्रा. इसमें इसको जो है जो एमएसपी है वो हाइक कर दिया गया इन चीजों के लिए. बंबू से रिलेटेड है सारी चीजें. नेशनल बंबू मिशन ये एक मिशन चलाया जा रहा है इसके हाइक करने के लिए. द रिस्ट्रिक्टेड एनबीएम वाज लॉन्च्ड इन 2018-19 फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट वैल्यू चेन फॉर द बंबू सेक्टर एंड इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द हब यानी कि इंडस्ट्री ऑफ स्पोक मॉडल. इट सपोर्ट्स लोकल आर्टिसन थ्रू लोकल ग्रोन बंबू स्पीसीज विच विल एक्चुअलाइज द गोल ऑफ वोकल फॉर लोकल. ये नारा आपको याद होगा स्लोगन वोकल फॉर लोकल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने दिया था पीएम ने 15 अगस्त को. एंड हेल्प इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी डिपेंडेंसी को कम करना और फार्मर्स की इनकम बढ़ाना इसका ये मकसद है नेशनल बंबू मिशन का. रिमूवल ऑफ बंबू फ्रॉम
ट्री कैटेगरी। अब इसको ट्री कैटेगरी से रिमूव करके, कि ट्री कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 वाज अमेंडेड इन 2017 टू रिमूव बंबू फॉर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज। एज अ रिजल्ट एनीवन कैन अंडरटेक कल्टीवेशन एंड बिजनेसेस इन बंबू एंड इट्स प्रोडक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ फॉलिंग एंड ट्रांजिट परमिशन। अभी क्या होता है, जब पेड़ अगर हम काट के कहीं ले जाते हैं तो ट्रांजिट परमिशन लेनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या काटने के लिए, लेकिन बंबू को उससे निकाल दिया है। हाँ विनाश करवा लो, काम आएगा। बंबू को उससे निकाल दिया गया है 2017 में, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, एक्ट है 1927 वाला, उससे निकाल दिया गया है इसको, और इसको कोई भी ले जा सकता है, इसको उगा सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन PFOs, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। 10,000 न्यू FPOs विल बी फॉर्म्ड इन 5 years। लास्ट 5 साल में 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनी है FPOs। FPOs engages in providing a range of assistance to farmers like imparting better farms practices, collectivization of input purchases, transportation, linkage with markets and better price realization as they do away with the intermediaries। इंटरमीडिएट जो होते हैं, बीच में जो बिचौलिया होते हैं, उनको हटा दिया गया है। उसके हटाने की कोशिश अच्छे प्राइस मिलने के और उनके मार्केट उपलब्ध कराने का, खरीद और बिक्री का जो सारे मार्केट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी प्रोवाइड कराई जाएंगे इनको, ताकि आसानी से किसान पे ले जा सकें। इंडिया नीड्स टू प्रोमोट बंबू शूट्स एज अ सुपर फूड। इट विल हेल्प इन एलिवेशन ऑफ मलन्यूट्रिशन एंड हंगर। भूख और जो मलन्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कुपोषण, कुपोषण, इनसे बचने के लिए इसको जो ये है वो सुपर फूड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। वैल्यू एडिशन इन बंबू शूट्स विच इनहेंसेस स्टोरेज एंड diversification in new age food products like vegetable protein concentrates can enhance its market potential and consumer acceptability। State need to take forward the objectives of the national bamboo mission which would contribute to the Atmanirbhar Bharat अभियान through आत्मनिर्भर कृषि self रियलैंड फार्मिंग। द हिंदू का इसके इसका सोर्स है द हिंदू मैथ है यार, कुपोषण। आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस इंक्रीज्ड, हैबिटेशंस इंक्रीज हुआ है आर्सेनिक अफेक्टेड। अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड इन द पार्लियामेंट द नंबर ऑफ आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस इन इंडिया It has increased by 45% in the last 5 years, 2015 to 2020। 2015 से 2020 तक 145% आर्सेनिक अफेक्टेड जो हैबिटेट्स हैं वो बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। इंडिया हैज हैड 1800 आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस इन 2015। दिस इंक्रीज इन 4421 हैबिटेशंस एज पर सितंबर 2020। 1800 से 4421 हो गए हैं, 145% बढ़ गए हैं। हैबिटेशंस आर द ग्रुप ऑफ हाउसहोल्ड्स एट अ कम्युनिटी लेवल इन अ विलेज। दीज आर द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सेटलमेंट्स दैट कैन हैव बिटवीन 10 टू 100 हाउसहोल्ड्स। हार तो क्यों नहीं होता है, 1000% भी हो सकता है, 1,00,000% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब अगर किसी मान लो रुतुजा के पास 100 रुपए हैं और 200 रुपए और मिल गए, तो 100 रुपए तो 100% अपने आप में, तो 100 प्लस 100 तो 200% बढ़ गया ना उसका। 100 का जितना हो रहा है 100 का बराबर फिर से बढ़ रहा है, 100 पे 100 बढ़ा तो 100% बढ़ रहा है, और 100 पे 200 बढ़ा तो डबल बढ़ रहा ना, तो 200% बढ़ गया इसका। इक्वल का मतलब 100, डबल का मतलब 200, ये तो होगा। रीजन अफेक्टेड,
मोस्ट ऑफ द आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशन लाइक इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सबसे ज्यादा इससे एरियाज हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में है. एल्यूवियल प्लेन्स दैट इज इन आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. इसको याद रख लेना कौन सा रीजन इससे अफेक्टेड है. आसाम हैड द हाइएस्ट शेयर ऑफ सच हैबिटेशन 1853, फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल 1383. पहले में कौन है आसाम, दूसरे में वेस्ट बंगाल. झारखंड विच डिड नॉट हैव एनी सच हैबिटेशन इन 2015 हैज टू नाउ. 2015 में झारखंड में कोई हैबिटेशन नहीं था यहाँ पे, लेकिन 2020 में कितना हो गए, दो हो गए. हाउएवर कर्नाटका विच हैड 9 हैबिटेशन इन 2015 हैड नन इन 2020. जो कर्नाटका ने क्या है 2015 में 9 थे, लेकिन 2020 में एक भी हैबिटेशन नहीं है आर्सेनिक का. डिक्रीज इन फ्लोरिड फ्लोराइड हैबिटेशन, जो फ्लोराइड के हैबिटेशन है उसमें डिक्रीज हुआ है. द नंबर ऑफ फ्लोराइड इफ एफेक्टेड हैबिटेशन हैज सिग्निफिकेंटली कम डाउन फ्रॉम 1272 इन 2015 टू 5485 एज ऑफ सेप्टेंबर 2020. जो ये फ्लोराइड हैबिटेशन थे 12,727 थे 2015 में और 5,485 रह गए सितंबर 2020 में, यानी कि डिक्रीज हुए हैं, इनमें कमी आई है फ्लोराइड हैबिटेशन में. राजस्थान हैज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच हैबिटेशन 2956, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, फोल्ड बाई बिहार 861, राजस्थान में सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार में दूसरे नंबर पे है फ्लोराइड हैबिटेशन पे. ठीक है, अरे मेरा फेस इसमें सही नहीं दिखता क्या यूट्यूब पे, मुझे इसका वो मिला था फीडबैक, देखना अब मेरा हूं तेरे पास उधर बदर. अंडर जल जीवन मिशन JJM प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू सच क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस थ्रू कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स टू मीट ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स अंटिल पोर्टेबल वाटर सप्लाई थ्रू मैप. JJM was started in 2019 with the aim to provide piped water supply to every household by 2024. ये जो चला था JJM, यानी कि जल जीवन मिशन चला गया था 2019 में, और ये इसका aim है कि 2024 तक सबको pipe से water supply किया जाएगा. सारे घर में जितने भी घर हैं उनमें सब में pipe से water supply कर दिया जाएगा 24 तक. Under JJM, up to 2% of the allocation of state utilities can be unlisted for water equality monitoring and surveillance activities. The WQM&S includes setting up the strengthening of water equality testing laboratories, surveillance by community using field test kit, awareness generation and educational programs on water equality. तो इस पे एजुकेशन दी जाएगी, एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे, अवेयरनेस चलेगी जनरेशन का, ढूंढना पड़ता है मुझे, मतलब लैपटॉप दूसरा लेना पड़ेगा. अ न्यू सब प्रोग्राम अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP National Water Equality Submission was started by the Ministry of Drinking Water and Sanitation, now merged with Ministry of Jal Shakti, in 2017 to address the urgent need for providing clean drinking water in about 28,000 arsenic and fluoride affected habitations. जो 28,000 arsenic और fluoride के affected habitations हैं, उनको pure water, साफ पानी, साफ drinking पानी provide कराया जाएगा. ये 2017 में aims किया गया था. The NWQMS aims to cover all rural population in arsenic fluoride affected habitations with clean drinking water on a sustainable basis by March 2021. The NWQSM was launched with an outlay of ₹25,000 crore. The NRDWP was started in 2009 with a major emphasis on ensuring sustainability of water availability in terms of potability, adequacy, convenience, affordability and equality.
एनआरडीडब्ल्यूपी इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कैसे स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम विद 50-50 फंड शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये हिस्से पूछे जाते हैं, कितना कितना हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी के फेवरेट हैं। 50-50 शेयर है स्टेट और सेंटर का। आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट्स एट हाई लेवल इन द अर्थ, अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट में पाया जाता है अर्थ की, एंड ग्राउंड वाटर ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज। इट इज हाईली टॉक्सिक इन द इनऑर्गेनिक फॉर्म। कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, फूड प्रिपरेशन एंड इरीगेशन फॉर फूड क्रॉप्स पोजेस द ग्रेटर थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ फ्रॉम आर्सेनिक। अब ये ग्रेट थ्रेट कैसे होगा, ड्रिंकिंग में, फूड प्रिपरेशन में, खाना बनाने वगैरह में, और जो फसल वगैरह में इसको यूज किया जाता है, तो ये जो वाटर है ये हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए जो है थ्रेड बन जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन इंश्योर कैंसर स्किन, कैन कॉज कैंसर स्किन डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज। डायबिटीज होने के रीजन बनता है, कैंसर स्किन कैंसर का रीजन बनता है, कार्डियोवास्कुलर का रीजन बनता है। इन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर इट हैज बीन लिंक्ड टू नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंक्रीज डेथ इन यंग एडल्ट्स। ये जो यंग एडल्ट्स का है उनकी डेथ में इंक्रीज होने का रीजन बनता है। अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी 2011 द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर इज 0.01 mg यानी कि मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ध्यान रखना है, आप ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में लिखेंगे। However, in India, the permissible limits of drinking water has recently been revised from 0.05 milligram per liter to 0.01 milligram per liter. अभी कितना चल रहा है? 0.05 milligram per liter चल रहा है, उसको revise करके 0.01 पे लाना है इंडिया के, इंडिया की लिमिट। The most important action in affected communities is the prevention of further exposure to arsenic by provision of a safe water supply. Fluoride toxicity. Excessive fluoride intake usually occurs through the consumption of groundwater naturally rich in fluorides, particularly in warm climate where water consumption is greater. जहाँ warm climate होता है, यानी गर्मी ज्यादा होती है, वहाँ पे water को ज्यादा consume किया जाता है, और वेयर हाई फ्लोराइड वाटर इज यूज इन फूड प्रिपरेशन और इरीगेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप वगैरह के लिए और फूड में जो यूज किया जाता है। सच एक्सपोजर में लीड टू डेंटल फ्लोरिसिस, टूथ डिके और क्रिपलिंग स्केलेटल फ्लोरिसिस विच इज एसोसिएटेड विद बोन डिफॉर्मिटीज। ये बोन डिफॉर्मिटीज जो होती हैं, जैसे दांतों से रिलेटेड होती हैं और स्केलेटल होती हैं, इनसे रिलेटेड ये एक्सपोज करता है इसको। वेब ऑफ समिट, अरे बड़े जबरदस्त पॉइंट थे, लेकिन एक घंटा पूरा होने वाला है, इतना अच्छा मटेरियल लेता है, एक घंटे पूरा ही नहीं होता है। अच्छा, ऐसे करता हूँ जितना यहाँ पूरा होता है यहाँ, और बाकी अपने चैनल पे, मतलब मिलता है इस पर, ठीक है, ये तरीका सही रह सकता है क्योंकि चीजें छूटेंगी भी नहीं। ये न्यूज में क्यों आया? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव इसकी फुल फॉर्म है। समिट विल बी इनोग्रेटेड ऑन 22nd October 2020 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी। 2nd October, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2020 को वैभव समिट होना है। इट विल बी फॉलोड बाई ऑनलाइन मंथ लॉन्ग डेलीबरेशन सेशन अमंग रिसर्चर्स। वैभव समिट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इट इज अ ग्लोबल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड अकेडमिशियंस। की एरिया ऑफ डिस्कशन विल इंक्लूड्स, कौन कौन से की एरिया होंगे जिसपे डिस्कशन होगा?
क्वांटम टेक्नोलॉजीज, क्वांटम टेक्नोलॉजी बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एंड मशीन लर्निंग पर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी अमंग अदर, और भी चीज़ों पर इसमें बातें की जाएंगी, डिस्कस होगा इस पर इस सबमिट में. टू ब्रिंग आउट द कम्प्रीहेंसिव रोड मैप टू लेवरेज द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स सॉल्विंग इमर्जिंग चैलेंजेस, टू रिफ्लेक्ट इन डेप्थ ऑफ द कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स विच अकेडमिया एंड साइंटिस्ट इन इंडिया, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन इन द कंट्री थ्रू ग्लोबल आउटरीच. ये क्रिएट किया जाएगा इससे क्या, नॉलेज का इकोसिस्टम और इनोवेशन का. ऑर्गेनाइजर्स कौन है इसके, द समिट इज अ ज्वाइंट एफर्ट ऑफ वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसको करा रहा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है और भी इससे रिलेटेड है. टू बूस्ट द इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया, वैभव विल एड अ न्यू डायमेंशन टू अटल इनोवेशन मिशन AIM. इसको AIM इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लेक्सिव इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इन द कंट्री. ये इनोवेशन का और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप करने के लिए ये चला गया है इसका फ्लेक्सिव. The summit seeks active supports and ideation from Indian diaspora for developing skill of the Indian aspirant in alignment with the new education policy. NEP 2020 aims to pave the way of transformation reforms in school and higher education system in the country. With Indian roots, global outlook and experience, accomplished scientists, researchers and academicians of Indian descent around the world can play a vital part in the Atmanirbhar Bharat initiatives. The initiative is based on five pillars kaun se honge, economy, infrastructure, system, vibrant demography and demand. Ye initiative jo hoga in panch cheezon par based hoga. Other government initiatives involving overseas Indians. प्रवासी भारतीय दिवस PBD इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th जनवरी एवरी ईयर. प्रवासी भारतीय दिवस का मनाया जाता है 9th जनवरी को एवरी ईयर, टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन इकोनॉमी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. नो इंडिया प्रोग्राम KIP इज अ फ्लेक्सिव इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर डिस्पोरा एंगेजमेंट विच फैमिलाइज इंडियन ओरिजिन यूथ 18 to 30 ईयर्स with their Indian roots and contemporary India. 18 to 30 years के youth को इसमें involve किया जाएगा. एक है VAJRA वज्र, Visiting Advanced Joint Research Faculty Scheme for the Department of Science and Technology is a dedicated program exclusively for overseas scientists and academicians. जो overseas scientists और academicians हैं उनके लिए program चलाया गया, with emphasis on non-residence Indian NRI and persons of Indian origin. PIO, Overseas Citizen of India, OCI, to work as adjunct visiting faculty for a specific period for time in Indian public funded academic and research institution. जो इंडिया के पब्लिक फंडेड एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें NRI को, PIO को और OCI जितने भी होंगे और जो नॉन रेजिडेंट जितने भी हैं, ये सारे इनको बुलाया जाएगा विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, ताकि इनसे कुछ सीखने को मौका मिले और इनसे अपने आप को बढ़ावा दे सकें वज्र स्कीम के द्वारा. नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा. रिसेंटली डेथ ऑफ टू स्लोथ वियर्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ इज नॉट येट नोन, जो इनकी एग्जैक्ट वजह थी वो पता नहीं चली है. अर्लियर अ 28 ईयर ओल्ड हिमालयन ब्लैक बियर डाइड प्रॉपरली. उससे पहले 28 साल का एक हिमालयन ब्लैक बियर मरा था वहां पर. इसी तरह से ड्यू टू ओल्ड एज एज बियर एज नोन टू लाइव फॉर द 30 ईयर्स. जो इसकी लाइफ होती है अबाउट 30 ईयर्स माना जाता है एवरेज एज, लेकिन वो 28 साल की एज में मरा था शायद उसकी एज की वजह से. नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, इट इज 15 किलोमीटर फ्रॉम ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर.
इट वॉज इनोग्रेटेड इन 1960 में अस्तित्व में आया था और 15 किलोमीटर दूर है उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर से नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क. फर्स्ट जू इन द कंट्री टू बिकम्स अ नंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा. ये वाजा जो ऑर्गेनाइजेशन है वाजा इसका सदस्य है ये फर्स्ट इंडियन. ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन अच्छा बनेगा यहाँ से पॉइंट. वाजा का वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम इसका मेंबर है भारत से फर्स्ट है. वाजा इज द ग्लोबल अलायंस ऑफ रीजनल एसोसिएशन नेशनल फेडरेशन जू एंड एक्वेरियम डेडिकेटेड टू द केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द इंडियन पेंगोलिन एंड व्हाइट टाइगर लेपर्स माउस डियर लॉयंस रेटल एंड वल्चर आर ऑल्सो ब्रेड हियर. इसके साथ लेपर्स भी हैं माउस डियर्स भी हैं लायंस भी हैं रेटल्स भी हैं वल्चर्स भी हैं और ये बेड भी यहाँ पे पाए जाते हैं. इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कैपिटल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर. क्रोकोडाइल को ब्रीड किया जाता है यहाँ पर. ये क्या है वर्ल्ड का फर्स्ट कैपिटल कैपिटिव है कैपिटिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है वेयर घड़ियाल्स वर ब्रेड इन कैपेसिटी कैप्टिविटी इन 1980. यहाँ पे घड़ियाल को भी ब्रेड किया जाता था. द स्टेट बोटेनिकल गार्डन ऑफ नंदन कानन इज वन ऑफ द पायनियरिंग प्लांट कंजर्वेशन एंड नेचर एजुकेशन सेंटर ऑफ उड़ीसा. जो नेचर एजुकेशन सेंटर है उड़ीसा का वो भी यहीं पर है. स्टेट बोटेनिकल गार्डन भी यहीं पर है. स्लोथ बियर्स साइंटिफिक नेम है इसका मेलुसिस अर्सिनस. मेलुसस और अर्सिनस इसका साइंटिफिक नेम है. पढ़ लेना इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो सकती है थोड़ी सी. ये इसका साइंटिफिक नेम है और स्लोथ बियर इसको बोलते हैं. ठीक है चीतर देख के याद हो जाएगा आपको. ये पढ़ लेना टाइम हो गया मेरा. बहुत सारी डिटेल है. यह हिमालयन ब्लैक बियर इस टाइप का होता है. कुछ स्कीम इसी की तरह की चल रही है. ये है ज्यादा नहीं बचा था आज वैसे कवर कर दिया था मैंने. कोई बात नहीं रुकूजा. टॉपर बस एक ही बनता है. ठीक है और फर्स्ट टू थ्री फोर फिफ्थ या अंडर हंड्रेड कभी रुकूजा देखा अंडर हंड्रेड के अलावा किसी का इंटरव्यू लेते हुए. अंडर हंड्रेड में भी लगभग सभी का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है वरना नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ज्यादा प्रमोट करते हैं. तो दो ही लोग चाहिए हमें. तो चलिए सेशन हो गया फिनिश. उम्मीद करता हूँ कुछ मजा आया होगा इसमें नया सीखने को मिला होगा. फिर से मिलेंगे कल सेम टाइम पे यहाँ पे भी और अपनी लाइव क्लासेस में भी. ठीक है गाइज तो तब तक के लिए बाय. हैप्पी रहिए मुस्कुराते रहिए खाते रहिए और खूब पढ़िए और आईएएस बनिए. सारी मेहनत का आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो सब खैर गुड नाइट. फिर मिलेंगे कल के सेशन में. हाँ इसमें भी नहीं रहते पूरे. चलिए रुकू जैन ऑल बाय टेक केयर.